शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में बड़ा मामला सामने आया है। यहां बेड ना मिलने पर नवजात शिशुओं को गैलरी में लिटा दिया गया, जबकि अस्पताल में लगभग 15 बेड खाली पड़े हैं। इस मामले में वहां पर मौजूद नवजात शिशुओं के माता पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 दिन से जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जब इस मामले में मेडिकल कॉलेज की मीडिया प्रभारी डॉक्टर पूजा पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बेड ना होने के कारण मजबूरन गैलरी में भर्ती किया गया है। 3 दिन से आप यहाँ बच्चे को बाहर लेकर के बैठी हुई हो? आज सर लगो आई यार। अच्छा, दो दिन हो गए। हॉस्पिटल के पास जितने भी बेड्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं और हर हॉस्पिटल को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बेड्स मिले दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो अच्छी चीज ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो कोई भी तकलीफ में आ रहा है, जिस किसी को भी परेशानी है, हमारे डॉक्टर्स हर समय 24/7 उनके लिए हेल्प करने को तत्पर है। अब वो वहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब क्या करें, उसमें हमारे पास अगर बेड्स नहीं है, हाँ बस ये कर सकते हैं कि जब हमारा MCS बिल्डिंग सही नया खुल जाता है और उसमें हमारे पास नए बेड आ जाएंगे तो ये जो समस्या आपको दिख रही है खुद को खत्म हो जाएगी। तब तक अगर डॉक्टर्स उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को पूरी की पूरी सहूलियत मिल सके।